नमस्कार दोस्तों, आज एक 2 BHK हॉस्पिटल देखेंगे, 28x56 का हाउस प्लान। घर का लंबाई है 56 फीट और इसका चौड़ाई है 28 फीट। ये एक 2 BHK हाउस प्लान, इसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 1 पूजा घर और इसके पास 1 डाइनिंग भी है। इसमें 1 पोर्टिको कॉम पार्किंग है और 1 आउटर स्टेयरकेस है। इसमें 2 टॉयलेट है, 1 है आटास टॉयलेट और 1 है कॉमन टॉयलेट। यह है घर का फ्रंट साइड, यह है घर का फ्रंट साइड और यह है बैक साइड। यह घर का राइट साइड है और यह है लेफ्ट साइड। घर के सामने 1 पोर्टिको कॉम पार्किंग है। ये पोर्टिको कॉम पार्किंग, इसका डायमेंशन है 13 फीट 6 इंच × 16 फीट 8 इंच। 13 फीट 6 × 16 फीट 8, इसका ये हॉरिजेंटल लेंथ है, इसे ये है 13 फीट 6 इंच और ये वर्टिकली ये है 16 फीट 8 इंच। ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए यहाँ पर है स्टेयरकेस, 7 फीट वाइड का स्टेयरकेस। ये स्टेयरकेस का वाइड है 7 फीट और इसका लंबाई ये है 12 फीट। यह है घर का एंट्री डोर और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा लिविंग कम ड्राइंग रूम है। लिविंग कम ड्राइंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई ये है 28 फीट लंबाई का एक ड्राइंग कम लिविंग और इसका चौड़ाई है 13 फीट 6 इंच। ये ड्राइंग कम लिविंग का डायमेंशन है 13 फीट 6 इंच × 28 फीट। वेंटिलेशन के लिए घर के सामने देखिए, ड्राइंग रूम के सामने ये पोर्टिको में 1 खिड़की है और ये लेफ्ट साइड में 2 खिड़कियां हैं, यहाँ पर 1 खिड़की और यहाँ पर 1 खिड़की। बाहर जाने के लिए 1 डोर यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर है डोर। और ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 12 फीट × 14 फीट। 12 फीट है हॉरिजेंटली, ऐसे हॉरिजेंटल लेंथ है 12 फीट और ये वर्टिकल लेंथ ये है 14 फीट। 12 फीट इंटू 14 फीट का ये मास्टर बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए राइट साइड में यहाँ पर 1 खिड़की है और ये है अटैच टॉयलेट। 8 फीट × 4 फीट का ये अटैच टॉयलेट है। इसका हॉरिजेंटल है 8 फीट और ये वर्टिकली ऐसे ये है 4 फीट। ये अटैच टॉयलेट के पास है कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 8 फीट × 4 फीट 5 इंच, यानी ये हॉरिजेंटल है 8 फीट और ये वर्टिकल है 4 फीट 5 इंच। यहाँ पर आप बेसिन लगा सकते हैं। मास्टर बेडरूम का डोर यहाँ पर है और ये टॉयलेट के पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2। इसमें 2 बेडरूम है, ये है बेडरूम नंबर 1 मास्टर बेडरूम और ये है बेडरूम नंबर 2। 12 फीट × 13 फीट का है। 12 फीट है हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली है ऐसे, ये है 13 फीट और यहाँ पर है 1 खिड़की वेंटिलेशन के लिए। बेडरूम नंबर 2 के पीछे किचन है और ये किचन का डायमेंशन है 9 फीट × 8 फीट। 9 फीट ये हॉरिजेंटली है 9 फीट और ये वर्टिकली है 8 फीट। वेंटिलेशन के लिए पीछे खिड़की है और ये किचन के पास देखिए यहाँ पर है डाइनिंग का स्पेस और ये डाइनिंग है 9 फीट 8 इंच × 8 फीट, यानी ये हॉरिजेंटली है 9 फीट 8 इंच और ये वर्टिकली है 8 फीट ऐसे। और यहाँ पर आप स्क्रीन लगा सकते हैं। डाइनिंग के पास यहाँ पर है पूजा घर और ये पूजा घर का डायमेंशन है 6 फीट × 8 फीट। 6 फीट है हॉरिजेंटली और 8 फीट ये है वर्टिकली। दोस्तों, ये एक 2 BHK हाउस प्लान और ये एक वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। वेस्ट फेसिंग यानी एक पश्चिम मुखी घर का नक्शा है। ये है घर का फ्रंट साइड और यहाँ ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो कॉर्नर है ये है नॉर्थ और ये ईस्ट का कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। यहाँ पर है पूजा घर और देखिए ये है साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर साउथ ईस्ट है, यानी ये है साउथ डायरेक्शन
और पीछे ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये कॉर्नर है साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट में किचन है और ये साउथ वेस्ट यानी ये जो डायरेक्शन है ये है साउथ और ये है वेस्ट। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच का और ये जो स्टेयर केस है स्टेयर केस का राइज है 6 इंच और स्टेयर केस का ट्रेड है 10 इंच का। तो इसका प्लिंथ है देखते हैं कितना है, 28 फीट इंटू 56 फीट इक्वल्स टू 1568 स्क्वायर फीट है इसका प्लिंथ एरिया। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।